पंजाब की सियासत की सब तो भखदी खबर की गल कर लें हाँ। एस वाई एल के मुद्दे पर इस वक्त पंजाब की सियासत पूरी तरह के नाल गर्म है। विरोधियों के ताने मेहने सहते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आखिरकार 1 नवंबर नूं पंजाब दिहाड़े वाले दिन विरोधी धिरां बहस की चुनौती दे दी है, जिसनों विरोधी लीडर ने शर्तां सने कबूल कर लिया। चाहे सुखबीर सिंह बादल होवे जां प्रताप सिंह बाजवा, सुनील जाखड़ जां फिर राजा वड़िंग, सब ने चुनौती नूं खुले दिल नाल स्वीकार किया। 1 नवंबर दे विच हाले 20 दिन पए ने, इन्हां 20 दिनां दे विच की हो जावे सियासत दे विच कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये जिहड़ी चुनौती है ते चुनौती नूं कबूल करना ये हकीकत दे विच आपां देख पावांगे जां फिर नहीं, इस बारे कुछ नहीं कहा जा सकता। सीएम ने सब दा नाम लैके कहा, बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़, अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल, कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ते प्रताप सिंह बाजवा, सब नूं कहिंदे मेरा खुल्ला सद्दा है कि रोज़ दी किच किच नालों आजो आपां पंजाबियां ते मीडिया दे सामने बह के गल करिए कि पंजाब नूं हुण तक कीने किवें लुट्टिया। भाई भतीजे साले जीजे मित्र मुलाजे टोल प्लाजे, जवानी किसानी व्यापार दुकानदार गुरुआं दी बाणी नहरां दा पाणी, सारे मुद्दयां ते लाइव बहस करिए। तुसीं अपने नाल कागज़ लिया सकते हो पर मैं मूँह जबानी बोलूँगा। 1 नवंबर पंजाब दिवस वाला दिन ठीक रहूगा, तुहानू तैयारी दे लई समा भी मिल जूगा। मेरी तो पूरी तैयारी है, कहिंदे सच बोलण वास्ते रट्टे नहीं लाउणे पैंदे। ते हुण आपां विरोधियां दे जिहड़े जवाब ने ओह भी सुण लैणे आ। सब तो पहला सुनील जाखड़ की गल कर लईए तां उन्होंने चुनौती नूं स्वीकार करदिआं कहा कि पंजाब दे हर मुद्दे ते हर वक्त बहस दे लई आपां तैयार हाँ। नाले भी कह दिता कि पहला मुख्यमंत्री ये भी दसन कि पंजाब दे पाणियां वर्गे गंभीर मसले ते उन्होंने किहड़े दबाअ जां सियासी हितां दी पूर्ति लई सुप्रीम कोर्ट च गोडे टेके ने। एक शेयर भी लिख दिता जाखड़ साहब ने, कहिंदे तूं इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफला क्यों लुटा। सुखबीर सिंह बादल उन्होंने भी कहा कि भगवंत मान की चुनौती मंजूर है पर 1 नवंबर दूर है, असी तो कहते 10 अक्तूबर में ही मुख्यमंत्री की रिहायश से पहुँच रहे हैं। हिम्मत है तो मुख्यमंत्री बाहर आके मिल लैन, सारे मीडिया के सामने पंजाब के पानिया सने हर मुद्दे से सीधी गल करांगे। वारी आउंदी है पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की, जिन्होंने सीएम नूं 7 सवाल किए ने। कहिंदे जदों इन्हां सवालों के जवाब मुख्यमंत्री जनतक कर देणगे तां असीं खुली बहस की चुनौती प्रवान कर लवांगे। अपराधिक केसां दी दर, नशियां च वाधा, मौतां दी गिणती, वधिया होया कर्जा, किसानां दीआं जानां, हड़ पीड़तां नूं मुआवजा ते प्रचार ते जिहड़ा खर्चा कीता, इह 7 सवाल राजा वड़िंग ने पुछे ने कि पहलां इह जवाब दिओ फिर गलबात भी कर लांगे। प्रताप सिंह बाजवा विरोधी धिर दे लीडर ने, उन्होंने मुख्यमंत्री की चुनौती कबूलदिआं कहा कि बहस विधानसभा च नहीं बल्कि किसी सांझी आम जगह पर होनी चाहिए है। ये भी शर्त रखी कि बहस की अगवाई देश की माणयोग सुप्रीम कोर्ट के जज जां फिर अजिही शख्सीयत करे जिस ते चारों धिर सहमति प्रगट कर दी हो, असीं बहस लई पूरे तैयार हाँ। नंबर 2 साडी इहदे विच मंग है ते शर्त भी है कि जिहड़ा मॉडरेटर होएगा डिबेट का वह कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज होना चाहिए ते मॉडरेटर चारों पार्टियां एक्सेप्टेबल होना चाहिए जी सारों वड्डी गल, क्योंकि जदों भी जिस तरह हुण कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टां ते जदों दस्तखत कराई दे ने ते ओपोजिशन का लीडर जिहड़ा हुंदा है उहदे दस्तखत भी गवर्नमेंट नूं कराने पैंदे ने, जे उहदे विच सहमति बन सकदी है ते मॉडरेटर दे विच इहो जिहा आदमी होए जिहड़ा सारे देश नूं ते विशेष तौर पंजाबियों नूं उहदे ते गर्व होना चाहिए कि जिहड़ा एक बड़ी फेयर मॉडरेशन करेगा। नंबर 2 इहदे ज्यादा जरूरी है। चौथी असीं चाहुंदे हां कि कोई मीडिया की जिथे भी तुसीं कोई जगह चूज करनी, कोई ऑडिटोरियम करना, उहदे विच ना ते मोदी मीडिया ते ना केजरी मीडिया विच होए भावें, बट सानूं कोई किसी दे जिहड़े फ्री एंड फेयर मीडिया है छोटे तो लैके वड्डे तक किसे ते तुसी पाबंद नहीं ला सकते, पाबंदी नहीं ला सकते। ते जदों सारे विरोधियों ने बहस की चुनौती कबूल कर ली तां फिर दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिर ANI नूं बयान दिता, कहिंदे मैं चैलेंज नहीं, मैं गलबात दा सद्दा दित्ता है, पंजाब दे मुद्दयां ते बहस दा सद्दा दित्ता है ते तैयारी लई 25 दिन भी दे दित्ते ने। ते सीएम ने दावा कीता कि पहली वारी किसी सरकार ने बहस लई सद्दा दित्ता है। मैंने अज न्योता दी है, आप चैलेंज बोल रहे हो, मैं न्योता कहूंगा कि जी जो पंजाब में बीजेपी के प्रधान हैं, पंजाब में कांग्रेस के प्रधान हैं, पंजाब में अकाली दल के प्रधान हैं,
हर रोज कोई ना कोई किसी ना किसी बात पे बोलते रहते हैं। मैंने कहा भी क्यों ना छोटी छोटी जो हर रोज शिकायतें शिकवे हैं इनको एक मंच पे बैठकर मीडिया के सामने लाइव टेलीकास्ट करके पूरे पंजाबियों को पता चले। हम 1 नवंबर क्योंकि पंजाब डे है, 1 नवंबर को पंजाब हरियाणा से लागू हुआ था, पंजाब डे है, उस दिन से हिसाब करते हैं सारा कि किसको मौका मिला पंजाब की सेवा करने का, लेकिन सेवा नहीं, उसने लूट की, किसानी जवानी व्यापार दुकानदार गुरु की बाणी नहरों का पानी, इन सब टॉपिक पर हम लाइव डिबेट करते हैं। मैंने 1 नवंबर का दिन रखा है, किसी कॉमन प्लेस पर किसी थिएटर में मीडिया आ जाएगा और देश में पहली बार होगा कि मुख्यमंत्री खुद बुला रहा है उनको, अदरवाइज विपक्ष कहता है जी हमारे साथ डिबेट करो, मैं कहता हूं जी आइए डिबेट करिए। और उनको मैंने 20-25 दिन दे दिए तैयारी करने के लिए, क्योंकि उनको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई किसी पार्टी में था आजकल किसी और में है, तो थोड़ा उनको डाउनलोड होने में टाइम लगेगा ना, कि मैं पहले कांग्रेस में था, जो कांग्रेस का प्रधान था आजकल बीजेपी का प्रधान है, तो टाइम तो लगता है ना वो शिफ्टिंग में, दिमागी तौर पर कभी कई बार कोई नाम निकल जाता है पुराना, तो 25 दिन मैंने दे दिए हैं, तैयारी कर लो, वो कागज लेके आ सकते हैं, लिख के ला सकते हैं पॉइंटर्स, मैं बिना कागज के आऊंगा। और वहां पर डिबेट होगी, क्योंकि मुझे सच बोलने के लिए रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती, आइए डिबेट करेंगे दूध का दूध और पानी का। ते पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी दे मुख बुलारे मालविंदर सिंह कंग ने भी मुख्यमंत्री दे वल्लों जिहड़ी विरोधी धिरां नूं बहस दी सिद्धी चुनौती दित्ती है उस दा स्वागत कीता है, नाल ही विरोधी धिरां ते लोकां नूं गुमराह करन दे दोष भी लाए ते अपना स्टैंड फिर दोहराया कि पंजाब च SYL दी उसारी नहीं होण देवांगे ते सरकार पंजाब दे हितां नाल कोई समझौता नहीं करेगी। मान साहब ने बड़ी बेबाकी नाल स्पष्टता नाल ये गल कही आ कि आपां सारे बह जांदे आ इस ये तीन ये तमाम इशूज से, और जवानी किसानी तो लैके नहरी पानी तो लैके गुरबाणी का इशू है, SYL का इशू है, चंडीगढ़ का इशू है, ट्वीट तुसी सारे ने पढ़ लिया होना कि आपां इहदे ते डिबेट करिए डिस्कशन करिए और इहदी जड़ तक जाइए, क्योंकि गुमराह किया जा रहा पंजाब के लोगों नूं। अहे जी मान साहब की सरकार ने SYL कट के दे देनी आ, मान साहब की सरकार जुम्मा जुम्मा 1.5 साल पहला बनी है, SYL का इशू 50 साल पुराना, हिस्टोरिकल फैक्ट मैं कल भी रखा सी 78 च बादल साहब नोटिफिकेशन जारी करते हैं, चौधरी देवी लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री स्वागत करते हैं, दरबारा सिंह हलफनामा दे देंगे कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कैप्टन अमरिंदर सिंह जेडे अज भाजपा च आ गए वो कई दे टक नाल कपूरी जाके SYL की शुरुआत कर देंगे। अकाली दल दे लीडर प्रेम सिंह चंदू माजरा ने मुख्यमंत्री दे बयान नूं गैर संजीदगी वाला दस्या है, कहा कि जे CM बहस करना चाहते नहीं तो बहस उन्हां लोकां नाल कीती जानी चाहीदी है जिहड़े लोग पंजाब दे पाणियां ते डाका मार रहे ने। हालांकि उन्होंने कहा कि अकाली दल हमेशा बहस के लिए तैयार है। किसानों की गल कर लईए तो किसान लीडर बूटा सिंह बुरजगिल ने कहा है कि पंजाब का पानी दूजे सूबे नूं जान नहीं देंगे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सबका प्रधान बीबी जगीर कौर ने भी SYL नूं पंजाबियों की होंद का मामला दसदिया एकजुटता दे नाल पानियां की लड़ाई लड़न का पंजाबियों नूं सद्दा दिता है। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कल बरनाला दे विच यूथ रैली की, यूथ मिलनी प्रोग्राम करवाया अते इत्थे भी पंजाब सरकार ते सिद्धे निशाने लाउंदिया सुखबीर बादल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब दे हक हरियाणा नूं सौंप दिते ने। उन्हां फिर कहा कि कल नूं रोस मार्च कढ़ना है, असीं चंडीगढ़ दे विच SYL सने होर मुद्दियां ते बहस दे लई 1 नवंबर तक काफ़ी दूर है, आपां कल नूं ही इत्थे गलबात कर लैने हां। सुखबीर ने कहा कि मुख्यमंत्री कल नूं मार्च वाले दिन रुझेवें दा हवाला दे के बहस तो ना भज्जण।